बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी डेलिकेट फूड। में आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। तो मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, 2 खाने के चम्मच चीनी, 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर, 4 अदद अंडे, आधा ग्लास दूध और इसके अलावा 50 ग्राम मक्खन। तो चलिए मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडों को तोड़कर प्लेट में डाल लेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी कैसी लगी है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अंडों को तोड़कर हमने प्लेट में डाल दिया है। इसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। चीनी हमारी अंडों में अच्छे तरीके से फिट चुकी है। तो इसके बाद इसमें हम दालचीनी का पाउडर डालेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से फेंटते जाएंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो चलिए अब आपको फ्रेंच टोस्ट को कैसे फ्राई करना है वो बताते हैं। सबसे पहले हम तवे पर मक्खन डालेंगे। उसके बाद हम एक स्लाइस लेंगे, स्लाइस को हम इस बैटर में डिप करेंगे जो हमने रेडी किया था, कुछ इस तरीके से, और फिर इस स्लाइस को तवे पर डाल देंगे। एक साइड से हमारा फ्रेंच टोस्ट सिक चुका है, तो इसको अब हम पलट लेते हैं और किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको हम प्रेस करते जाएंगे। अब हम इसको दूसरी तरफ से टर्न कर लेते हैं। तो पहला स्लाइस हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दोबारा तवे पर मक्खन डालेंगे और दोबारा से एक स्लाइस लेकर बैटर में डिप करेंगे और इसको तवे पर डाल देंगे। एक साइड से हमारा फ्रेंच टोस्ट हो चुका है, तो इसको अब हम पलट लेते हैं। तो दूसरी साइड से भी हमारा फ्रेंच टोस्ट हो चुका है, तो इसको हम दोबारा से पलट लेते हैं। हम फ्रेंच टोस्ट को मक्खन में बना रहे हैं, आप चाहें तो घी या ऑयल में भी बना सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी कैसी लगी है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दूसरा फ्रेंच टोस्ट भी हमारा हो चुका है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी फ्रेंच टोस्ट को फ्राई करते जाएंगे, उसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये थी हमारी आज की फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारी ऐसी रेसिपीज मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।